सबसे पहले चार बैक पैनल आ जाते हैं जो इस तरह के दिखते हैं, चार साइड पैनल आ जाते हैं जो ऐसे होंगे और इसमें मार्किंग भी दिया गया है, दो राइट डोर पैनल आ जाते हैं और दो लेफ्ट डोर के पैनल आ जाते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है, एक पीस टॉप पैनल आ जाता है जो इस तरह का होता है और एक बॉटम पैनल आ जाता है जो ऐसा होता है। थ्री शेल्फ आ जाते हैं जो कबर्ड के अंदर लगने वाले हैं। पांच कनेक्टर आ जाते हैं। सबसे पहले एक बैक कनेक्टर आ जाता है जो बड़े साइज का है, दो साइड कनेक्टर आ जाते हैं जो इस तरह के दिखते हैं, दो डोर कनेक्टर आ जाते हैं जिसके ऊपर डोर कनेक्टर का मार्किंग लगा हुआ है। आइए अब इसकी असेंबलिंग के बारे में जान लेते हैं। जो बॉटम पैनल है उसे हम सबसे पहले रख देंगे। स्टेप टू में जो बैक पैनल है उसे हम फिक्स करेंगे बैक साइड में। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्लेन सरफेस है उसे हमें अंदर की साइड रखना है और ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं इसको अच्छी तरह से फिक्स करके लगाना है। प्लेन सरफेस को हमने अंदर रखा है। अब हम स्टेप थ्री में दो साइड पैनल्स को लगा लेंगे और साइड पैनल्स में प्लेन सरफेस को बाहर की तरफ रखना है, तो इन दोनों पैनल्स में प्लेन सरफेस को हमने बाहर की तरफ रख के इसे फिक्स कर दिया। इसके ऊपर असेंबलिंग के लिए स्टेप फोर में हमें कनेक्टर्स लगाने होंगे, तो सबसे पहले बैक कनेक्टर को लगाएंगे और जो ग्रूव बने हुए हैं वो बाहर की साइड रहेंगे और प्लेन सरफेस अंदर की साइड रहेगा। ग्रूव्स में अच्छे से इसको पुश करके फिक्स कर देंगे। इसके बाद साइड कनेक्टर लगाएंगे स्टेप फाइव में, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का जो कनेक्टर है उसे हम दिए गए स्पेस में फिक्स कर देंगे। इसी तरह से राइट साइड के कनेक्टर को भी फिक्स कर देंगे। अब स्टेप सिक्स में टॉप बैक पैनल्स को अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। इसमें भी हम सेम तरीके से लगाएंगे, प्लेन सरफेस को अंदर रखेंगे और जो हॉलो सरफेस है उसे बाहर रखेंगे। स्टेप सेवन में अब साइड पैनल्स को अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे, प्लेन सरफेस को बाहर रखेंगे, हॉलो सरफेस को अंदर रखेंगे। इतना असेंबल होने के बाद डोर्स को हम स्टेप एट में सेपरेटली असेंबल कर लेंगे। तो डोर्स को असेंबल करने के लिए स्टेप एट में डोर कनेक्टर की मदद से हम लेफ्ट टॉप पैनल और लेफ्ट बॉटम पैनल को आपस में कनेक्ट कर लेंगे, जिसमें टॉप साइड पे ये स्पेस बना है ये बॉटम पैनल हो गया और इसके ऊपर टॉप पैनल को हम लेफ्ट डोर कनेक्टर की मदद से फिक्स कर लेंगे। लेफ्ट डोर असेंबल हो चुका है। अब इसके बाद इसी तरह से राइट डोर को भी असेंबल कर लेंगे। तो जिसमें प्लेन सरफेस दिया गया है ये राइट टॉप डोर हो गया और जो दूसरा वाला है वो बॉटम डोर हो गया। कनेक्टर की मदद से हमने इसे फिक्स कर लिया। अगर हमें किसी दूसरे तरीके से डोर को असेंबल करना है, जैसे कि जो फेरी है उसे आमने सामने रखना है और इस पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन के सामने रखना है, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। डोर को नॉर्मल तरीके से डीअसेंबल कर लीजिए पहले। तो हमने सेंटर वाला जो डोर कनेक्टर है उसे निकाल लिया। अब इसके बाद फेरी को हमें ऊपर लेके आना है और इस पोर्शन को नीचे लेके जाना है। तो इसके लिए सिंपल, ये जो ऊपर पट्टी दी गई है इसमें ग्रूव्स को हल्का सा पुश करके पट्टी को हम पुल कर लेंगे। तो नीचे वाला सेक्शन जो था फेरी का वो हमने ले लिया। पहले तो इसकी बॉटम वाली पट्टी को हम इसी तरह से निकाल लेंगे, ग्रूव्स को हल्का सा पुश करेंगे और बॉटम पट्टी को निकाल लेंगे। अब इसको आमने सामने रखने के लिए हम इसकी पट्टी को चेंज करेंगे। जो हमने पहले निकाली थी लेफ्ट टॉप डोर की पट्टी को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इसमें ध्यान रखना है, हल्का सा पुश करके हम इसे फिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो बॉटम डोर है अब उसमें हम बॉटम वाली पट्टी को फिक्स कर देंगे। इस तरह से फिक्स करने के बाद सिंपल सेंटर कनेक्टर की मदद से टॉप और बॉटम डोर को हम आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से आप जिस भी सेक्शन को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं
जिस भी स्टिकर को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं उस सेक्शन को आप आसानी से डिसम्बल करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं। डोर्स असेंबल होने के बाद अब हम स्टेप 9 में इसे कबर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले राइट डोर को हमने आसानी से दिए गए होल में बॉटम को फिक्स कर दिया, और इसके बाद जो सेंटर में ये ग्रूव्स दिए गए हैं इस जगह पर हम इसे पुश करके अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे। इस तरह से राइट डोर लग चुका है। अब हम ऐसे ही लेफ्ट डोर को भी फिक्स कर लेंगे। तो नीचे दिए गए ग्रू को हम पहले लगा देंगे, और इसके बाद मिडिल सेक्शन में जो ग्रू दिया गया है उसे हम पुश करके फिक्स कर देंगे। इसके बाद स्टेप 10 में हम इसके टॉप पैनल को फिक्स कर देंगे। तो जिस तरफ 3 सेक्शंस दिए गए हैं वो बैक साइड का है, और जिस तरफ 2 ग्रूज दिए गए हैं वो फ्रंट साइड का है। इस तरीके से हम पहले बैक साइड को पुश करके फिक्स कर देंगे, और फिर फ्रंट साइड में डोर को अलाइन करके फिक्स करेंगे, और फिर हम दूसरे साइड भी इसी तरह से फ्रंट पैनल को अटैच कर देंगे। अब जो फाइनल स्टेप है वो स्टेप 11 है, जिसमें रैक पैनल्स को अपनी जगह पे फिक्स करेंगे। इन्हें लगाना बहुत ही आसान है। हल्का सा टिल्ट करके हम इसे दिए गए ग्रूव्स में अपने सुविधा और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस में लगा सकते हैं। लास्टली इसमें दिए गए डोर लॉक्स को भी आसानी से आप इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। और पूरे डोर को लॉक करने के लिए सेंटर में दिए गए लॉक को दी गई की मदद से लॉक किया जा सकता है। तो इस तरह से हम बड़े ही आसानी से सेलो नोवेल्टी बिग किड्स कबर्ड को असेंबल कर सकते हैं।